हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारे वीडियो लेक्चर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम एपी पर ही डिपेंडेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। देखो, लास्ट में हम एपी तक के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th term is 38 and 16th term is 17. देखो, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं आपको किसी एपी का 31st term फाइंड आउट करना है। आपको 11th term गिवन है 38 और 16th टर्म गिवन है 73। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको एपी गिवन थी, एक सीरीज गिवन थी एपी की। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एपी की कोई सीरीज गिवन नहीं है, ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना लास्ट टर्म गिवन है। हमें केवल यह पता है कि हमको 31st टर्म मतलब एन की वैल्यू पता है। सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, 11th टर्म इज 38। 11th टर्म इज 38, A11 आपको गिवन है 38। फिर ये बोल रहा है 16th टर्म इज 73, A16 भी आपको गिवन है, वो है आपके पास 73। बस यही दो चीजें गिवन है हमें, A31 तो फाइंड आउट करना है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कभी भी कोई बीच की टर्म से कोई एपी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है। हमारे को फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। और A31 फाइंड करने के लिए आप लोग जानते हैं A+30D हम लगा सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले A पता होना चाहिए और आपके पास D भी फाइंड होना चाहिए। ना तो आपके पास इस क्वेश्चन में कहीं A गिवन है, A मतलब फर्स्ट टर्म, ना कहीं D गिवन है, D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करके हम A और D फाइंड करेंगे, फिर उस A और D की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा A31। इन दोनों को यूज लेते हैं। A11 का फॉर्मूला होता है A+10D। 38 A16 का फॉर्मूला होता है A+15D। 73 दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे सब्सट्रैक्ट करके, ये कैंसिल आउट, -15D +10D आपके पास होता है -5D। -73 +38 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 35। डी की वैल्यू आपके पास आएगी 35, ये माइनस आएगा, अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 7 टाइम कैंसिल, डी की वैल्यू आपके पास आ गई 7। डी की वैल्यू आ गई 7। जब डी की वैल्यू 7 आ गई तो अभी तो हमें ए भी फाइंड करना है। A फाइंड करने के लिए आपको इस D की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में राइट करनी है या फिर इक्वेशन सेकंड में। तो मैं ये कह सकता हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A+10D इक्वल्स टू 38 और D की वैल्यू 7 है, A हमें नहीं पता, 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 38, A+70 इक्वल्स टू 38।
जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 38 माइनस 70। देखो डी की वैल्यू 7 आ गई, इस डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38, ए हमारे पास नहीं पता, एज इट इज राइट किया। डी की वैल्यू 7 है तो अपन ने 7 राइट करी, 10 7 जो 70 और 38 एज इट इज, इसको माइनस कर लीजिए तो ए की वैल्यू आपके पास -32 आएगी। जब ए आ गया आपके पास, डी आपके पास आ गया, हमें फाइंड करना था A31। तो A31 का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए प्लस 30 डी होता है। ए इज -32 प्लस 30 और डी की वैल्यू आपके पास है 7। A31 इक्वल्स टू -32 प्लस 210। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास A31 की वैल्यू आएगी 10 माइनस 2 8, 0 2 एंड 2 माइनस 1 128। 128, 8 to 10 0, 3 to 5, नो ये क्या मिस्टेक हुई, 210 में से 32 को ही तो माइनस करना है हमें, तो 108 ही तो आएगा। 10 सॉरी 10 माइनस 2 8, 3 और 1 138 आएगा। ये क्या हुआ, हमें 210 में से 32 को माइनस करना है। 10 माइनस 2 इज 8, यहां 0 रहा, इधर से लिया 10 माइनस 3 7 और यहां 178 आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, आप ना करिएगा, एग्जाम में प्रॉब्लम होगी नहीं तो। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन इज दैट एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। क्वेश्चन को वापस बोल रहा हूं मैं, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब कोई ऐसी एपी प्रेजेंट है आपके पास जिसमें केवल 50 टर्म है। फिर आगे बोल रहा है विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी जो थर्ड टर्म है वो है 12। मैं क्वेश्चन को राइट कर देता हूं, एपी कंसिस्ट 31 टर्म्स, सॉरी 50 टर्म्स, इन विच थर्ड टर्म इज A3 गिवन है आपको 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मीन An 106। फाइंड दी 29th टर्म, A29 आपको फाइंड आउट करनी है। वापस मैं क्वेश्चन को अगर लिखूं अच्छे से, इन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड इट्स 29th टर्म। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा समझते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक कोई ऐसी एपी है जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, उसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। यही लॉजिक है, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया गया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है और सबसे लास्ट वाली टर्म है 12। सपोज करो मेरे पास एक कोई क्वेश्चन है 3 4 5 6, ये कोई एपी है। मैं इसके बारे में दो तरीके से बोल सकता हूं आपको। कोई एपी मेरे पास है, आई हैव एन एपी इन विच 4 टर्म्स आर प्रेजेंट एंड द लास्ट टर्म इज 6। इसका मतलब क्या हुआ, एपी है जिसमें 4 टर्म प्रेजेंट है और सबसे लास्ट वाली टर्म आपके पास 6 है। इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्थ टर्म है वही तो 6 है, 1 2 3 4। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एपी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50
और 50वीं टर्म है 106, बिकॉज लास्ट टर्म ही तो 106 है, और फाइंड करना है आपको 29th टर्म, आपको फाइंड करना है 29th टर्म। तो हम A3 को और An को यूज करके, An का मतलब है यहां पर A50, इन दोनों को यूज करके 29th टर्म फाइंड आउट करेंगे। A3 इज 12, A3 का मतलब होता है A+2D और A50 का मतलब होता है A+49D। ये 12 है हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करो। अब तक भी हमने ऐसे किए थे, -49D+2D, 47D मिलेगा आपको माइनस। बट हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ, सॉरी, A50 इज 106 इक्वल्स टू 84 माइनस डी इक्वल्स टू इट इज 94 माइनस 94 अपॉन -47 कैंसिल करोगे आपके पास डी की वैल्यू आएगी 2। देखो जब डी मिल गया तो फिर हम करते हैं उसी डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या टू में कहीं पुट करते हैं, हम ए फाइंड आउट करते हैं। वही काम करता हूं, A+2D इक्वल्स टू 12, A+2D की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, A इक्वल्स टू आएगा मेरे पास 8, 12 माइनस 4 बन जाएगा 8। आपके पास D भी आ गया और A भी आ गया, फाइंड आउट करना है A29। वेरी सिंपल, A+20 8D, A इज 8+28 एंड D की वैल्यू आपके पास है 2। A29 इक्वल्स टू 8+56 इज 64। तो इसी एपी की जो 29th टर्म है वो आपके पास है कितनी, 64। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पर डिपेंडेड। Our next question is, if third and ninth term of AP is 4 and minus 8, किसी AP की third term and fourth term आपको given है, third term is 4, A3 equals to 4 and its ninth term is minus 8, A9 equals to minus 8, which term of this AP is 0? Question is that, which term इज जीरो। एक एपी है आपके पास, इसमें थर्ड टर्म आपके पास 4 है, नाइन्थ टर्म आपके पास -8 है और क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सी टर्म आपकी इसकी जीरो है। तो ए एन हमारे को गिवन है जीरो है, लेकिन हमको ये नहीं पता वो कौन से नंबर की टर्म है। मतलब कोई आपके पास एपी चल रही है कंटिन्यू सिक्वेंस है, उस एपी में कहीं ना कहीं बीच में जीरो आएगा, हमें ना तो उसकी फर्स्ट टर्म गिव पता है ना दूसरी, हमको तीसरी टर्म पता है 4, हमको उसी एपी की नाइन टर्म पता है -8, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब आगे जाकर के भाई ऐसे कोई एपी है मेरे पास कंटिन्यू एपी चल रही है, इस एपी में कहीं ना कहीं जीरो आएगा, आपको ये बताना है जीरो कौन से नंबर पे आएगा। तो देखो A3 का फॉर्मूला होता है A+2D या गिवन है हमें 4, तो हम बोल सकते हैं A+2D इक्वल्स टू 4, A9 -8 है तो A+8D को बोल सकते हैं अपन -8। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो या तो आएगा कैंसिल, -8D+2D अब तक हम करते आ रहे हैं यही मेथड था, -6D इक्वल्स टू या प्लस होगा तो आपके पास बन जाएगा 12 और D की वैल्यू आपके पास आएगी -2। D आ गया तो D की वैल्यू यहां पुट कर लो, A+2 × D की वैल्यू -2 है, A-4 = 4, A = हाउ इज दैट पॉसिबल, A+2D = 4 -2 A = 8,
अब आपके पास ए आ गया, डी आ गया, आपको ये बताना है कि कौन से नंबर की टर्म जीरो है। ए एन तो जीरो है, लेकिन एन आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन इज जीरो, ए इज एट प्लस एन माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ डी इज माइनस टू। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एट होगा आपके पास, एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू। माइनस एट अपॉन माइनस टू इक्वल टू एन माइनस वन, कैंसिल हो करके फोर आ जाएगा एन माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ एन इज फाइव। तो इसी एपी की जो फिफ्थ टर्म है वो आपको जीरो मिलेगी, वो आपको जीरो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ये बोल रहा है 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म और 10th टर्म का जो डिफरेंस गिवन है आपको वो आपके पास है 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। देखो पहले बोल क्या रहा है, ए 17 आपके पास है माइनस 18। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 17th टर्म जो है किसी एपी की, वो उसी एपी की 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। देखो ए 17 माइनस ए 10 इक्वल टू 10, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली, इसको सॉल्व करेंगे। ए 17 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 16 डी और ए 10 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9 डी इक्वल्स टू आया 7। ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल्स टू 7। ए कैंसिल आउट, 16 डी माइनस 9 डी, 7 डी इक्वल्स टू 7 एंड डी इक्वल्स टू 7 अपॉन 7। तो आपके पास डी की वैल्यू मिल गई 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, आपको एपी गिवन है 3, 15, 27, 39, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 132 मोर देन 54th टर्म। पहले क्वेश्चन को समझो, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132। इस एपी की वह कौन सी टर्म है जो इसी एपी की 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ए आपको गिवन है 3, डी हम निकालेंगे 15 माइनस 3 होता है 12। अब आपको क्वेश्चन पर जाना है वापस से, लैंग्वेज को समझना क्या बोल रहा है। इस एपी की, जब मैं इस एपी को आगे बढ़ाऊंगा 3, 15, 27, 39 कंटिन्यू इंक्रीज करेंगे, तो आगे जाकर के एक ऐसे नंबर की आपके पास क्या मिलेगी, वो कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से भी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 132। तो क्यों ना सबसे पहले तो हम ये पता करें कि इस एपी की 54th टर्म कौन सी है, हमें नंबर क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन ये था आपके पास, विच टर्म ऑफ दिस एपी इस 54th टर्म से 132 ज्यादा है, वो कौन सी टर्म है, उसका एन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको रिपीट करेंगे। सबसे पहला अपना टारगेट है 54th टर्म फाइंड करने का। ए 54 फाइंड करना है तो हम जानते हैं ए प्लस 53 डी आएगा, ए आपके पास है 3,
प्लस 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आएगी 12, 636। तो ए की ए 54 आपके पास आ गया 639, पहला कंसेप्ट डन। हमको ए 54 मिल गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है 54 टर्म से भी कितना ज्यादा जाना है, कितना आगे पहुंचना है, 132 ज्यादा जाना है। तो ए 54 प्लस 132 जब हम करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 639 प्लस 132 771 मिल गया आपके पास ए 54 प्लस 130। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। तो हम बात करेंगे किसकी, 132 जब आगे पहुंच गए तो हमें नया नंबर मिला 771। ये 771 भी इसी एपी में कहीं ना कहीं वेरी करता है, लेकिन ये वेरी कहां करता है, इस 54 टर्म से 132 आगे। अब मैं इसी एपी को ऐसे बनाऊं समझाने के लिए, 54 टर्म जो आ रही है हमारे पास 771 आ रही है, जब इससे भी कितना आगे जाएंगे हम लोग, 132, तो हमें एक और नया नंबर मिलेगा। सॉरी, 54 टर्म तो हमारी आ रही है 639, इससे और आगे जाएंगे कितना आगे जाएंगे हम लोग, 132 आगे जाएंगे, तो हमारे पास एक और नया टर्म मिलेगा। उस टर्म, वो टर्म कौन से नंबर की है, मतलब उसका एन क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे जो नंबर मिल रहा है वो हमको पता चल गया 771 है, जो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब इसके लिए एन फाइंड करना और भी इजी हो गया, बिकॉज हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 771, ए इज फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन माइनस वन आपके पास है, एन तो फाइंड ही करना है, और डी आपके पास यहां से कितना आ रहा है, जो पहले आ रहा था वही डी आएगा 12। 3 को उधर ले जाओ, 771 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 12। 771 माइनस 3 होता है कितना, 768 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12। 12 डिवाइड में जाएगा 768 अपॉन 12 इक्वल्स टू एन माइनस वन। सिक्सटी फोर इक्वल्स टू एन माइनस वन, जब एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 65। इसका मतलब वो नंबर जो इस एपी की 54th टर्म से 132 आगे हैं, वो हमारी पास, वो हमारी 65 नंबर की टर्म है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में को हम यही खत्म करेंगे।